हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज फिर थोड़ी देर में एक वीडियो लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से देवते। आज ये 12वीं वीडियो है मेरे इस चैनल जानकारी हित देवते इकोनॉमिक्स नाल संबंधित। आज जरा विषय है इकोनॉमिक्स नाल संबंधित, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिन्हों इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग के बीच एक लाइफ लाइन मनाया जाता है। सीरियस डिमांड, असं गल करांगे मंग दी। मंग की है, मंग दीयां किस्मां की ने, उहदे बेसिक कॉन्सैप्ट असीं समझण दी कोशिश करांगे। लैट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट, द कॉन्सैप्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड। उस तो पहले एक छोटा जिहा इशू, जदों असीं आम भाषा च गल करदे हां डिजायर वांट ते डिमांड, इच्छा लोड़ दे मंग, एक ही गल्लां च असीं यूज कर रहे हैं, मेरी इच्छा है, मेरी लोड़ है, मेरी मंग है। पर इकोनॉमिक्स दे विच तिन्नां च बेसिक डिफरेंस है। की है वो डिफरेंस, वो समझण दी कोशिश करते हैं। सब तो पहले मैं डिजायर की गल करा। डिजायर मन दे अंदर पैदा हुई वह लालस है, किसी वस्तु दे प्रति वह अट्रैक्शन है जिन्हों असीं खरीदना चाहते हैं, बट डोंट हैव रिसोर्सिस, पर साडे कोल साधन नहीं है। क्लीयर? मैं मोबाइल खरीदना चाहता सी, काफ़ी महंगा, सारा जेब च पैसे नहीं सी, बस इच्छा इच्छा रह गई, सपनों में खोया हुआ था कहीं। यस, और जो यहो जी पोजिशन होंगी ना, उन्होंने असं अपने मन की डिजायर कहने हैं, इच्छा। फिर लोड़ की है, जिन्होंने असं वांट कहने हैं इंग्लिश के, वांट की है। जो साढ़े को साधन है, साधन हो गए तैयार, बट फिर असी उन्होंने साधनों खर्चन करने लिए तैयार ना होइए, मेरे को पैसे आ गए, फिर मन मनिया नहीं छड़ हूँ नहीं खरीदना, तो जी उस स्थिति है उस वस्तु के प्रति वो मेरी की होएगी, लोड़ वांट। पैसे सी पर खर्च करन लई तैयार नहीं, साधन हन पर खर्च करन लई तैयार नहीं आ, तो उस वस्तु की प्राप्ति की जड़ी मन दे विच किते लालसा सी, उन्हों असी की कहांगे वांट। जदों किसी वस्तु नूं खरीदने लई पैसे भी ने, साडे मन दे विच एक डिजायर भी है, इच्छा भी है उस वस्तु नूं प्राप्त करन दी, ते उस पैसे नूं खर्च करन लई भी तैयार हाँ, दैट वन इज नोन एज डिमांड, इहनूं असीं मंग कहने। समझ लग्या? अज जिहड़ा बेसिक टॉपिक है, इहदी इंट्रोडक्टरी सी, थोड़ा मन दे विच कई बार कन्फ्यूजन हो जांदा है। अज साडा जिहड़ा बेसिक टॉपिक है, वो है डिमांड। मंग की है? किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदी जाएगी, उन्होंने असी डिमांड कहने। मान लो 50 रुपीज़ के असी दो आइसक्रीम खरीद लिया या खरीदिया जाएंगे, दैट इज डिमांड। साढ़े को पैसे, तो डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज द अमाउंट that will be purchased at a given price at a given time. ध्यान नाल, demand for a particular good is the amount or quantity that will be purchased at a given price at a given time. किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय से निश्चित कीमत के नाल खरीदी जानी है, उन्हों असी उस वस्तु की मंग कहने हैं। क्लीयर हो गया? दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और कमोडिटी इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी विच विल बी परचेज एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस। बहुत सारे जड़े इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दीतियां ने, बुक्स के भी जो कंटेंट जानते हो बहुत सारे डेफिनेशन ने, बट बेसिक यही है, एक निश्चित समय से निश्चित कीमत के उत्ते किसी वस्तु की जो मात्रा खरीदी जाएगी, दैट वन इज डिमांड। ओके, आई थिंक दैट वन इज क्लीयर। आओ हम अगे चलिए। दूसरा हिस्सा है टाइप ऑफ डिमांड, मंग की किस्म। यस, देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट। वेरी सिंपल टॉपिक। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, किसी वस्तु की जी कल्ले व्यक्ति की मंग है, इंडिविजुअल डिमांड है। मान लो एक व्यक्ति अरविंद है, मोहन है, या मैं हाँ, या तुसी हो, कोई एक किसी वस्तु की जिनी मात्रा की जी डिमांड करता है, उन्होंने असं इंडिविजुअल डिमांड कहने हैं। थोड़े अंदर इच्छा,
पांच आइसक्रीम खरीदने की मंग सी थोड़ी थोड़े कल्ले दी किसे दी या मेरी कल्ले दी तां वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। ध्यान रखियो इस गल नूं। मार्केट डिमांड की है फिर? मान लो एक बाजार दे विच टोटल तीन उपभोक्ता सी, ओनली थ्री कंज्यूमर आर इन द मार्केट। एक सेम आइसक्रीम दी फाइव यूनिट परचेज करना चाहता है, एक फोर्थ एक थ्री। जे तिन्हां नूं ऐड कर दिए उस मार्केट की डिमांड कितनी बन गई? 5 + 4 + 3 = 12। जी 12 है एक मार्केट डिमांड है। बाजार मांग का मतलब टोटल ऑफ या एग्रीगेट ऑफ डिमांड, डिमांडेड बाय द ऑल इंडिविजुअल एग्जिस्टेड इन द मार्केट। किसी बाजार के जिन्हें भी उपभोक्ता ने व्यक्ति ने उन्हें सारे की मांग का जोड़ा एग्रीगेट है, इनू असं बाजार मांग कहने हैं। सो टू टाइप ऑफ डिमांड इज देयर, इंडिविजुअल एंड मार्केट। क्लीयर हो गया? डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस कॉन्सैप्ट इज क्लीयर। जो ये क्लीयर था, दो चीज़ा बड़ी जल्दी क्लीयर हो जाएंगे, वो भी मैं अच्छ क्लीयर कर रहा अज के इस लैक्चर के। वो है डिमांड शेड्यूल, मंग सूची की है। जो असी मंग एक सूची दिखा दिए, एक टेबल बना के दिखा दिए, दैट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड दो तरह की है, तो डिमांड शेड्यूल भी दो तरह के, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल है व्यक्तिगत मंग सूची, जिस सूची दे विच, जिस टेबल दे विच असी कल्ले व्यक्ति दी डिमांड नूं शो करदे हां कि उन्हें किसे कीमत दे उत्ते किसे वस्तु दियां किन्नी किन्नी मंग कीती। उस सूची नूं असी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहने हां, व्यक्तिगत मंग सूची। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लीयर कर दें इस गल नूं, मतलब दोबारा एक बारी इस चीज़ नूं रिपीट करो। वह सूची जो वक् वक् कीमतों पर किसी वस्तु दियाँ वक् वक् जो मंग की जाती है, कीमत ते मात्रा के उस संबंध में दर्शाने वाली सूची नूं असी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहने। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लैने, गर्मी का मौसम से, आइसक्रीम की जरूरत सी किसी वस्तु की, आइस मान लो आइसक्रीम का रेट वैसे पॉसिबल नहीं है, अपन ने एक इजी जो कॉन्सैप्ट ले रहे हैं, व्यवहारिकता हो सकता रेट ज़्यादा हो। मान लो आइसक्रीम की कीमत 2 रुपए सी, फिर 4 रुपए हो गई, फिर 6 हो गई, 8 हो गई। तो डिमांड के बारे एक चीज़ यह है, असी आम व्यवहारिकता दे विच सारे जने सोच के देखो, जे कीमत वधदी है असी उहदी मंग घट करन लग जांदे। जदों 2 रुपए कीमत सी, मान लो असी उहदी 4 आइसक्रीम खाने लई तैयार सी, असी उहदी डिमांड 4 यूनिट लई करदे सी, जिवें इत्थे टेबल 'च दिखाया गया। ध्यान नाल देखो, मान लो उसकी कीमत बढ़ के 2 से 4 हो गई, असी डिमांड घटा दी, 3 रह गई। कीमत बढ़ के 6 हो गई, डिमांड होर घटा दी, 2 रह गई। कीमत बढ़ के 8 हो गई, डिमांड होर घटा दी, मान लो 1 हो गई। ये एक व्यक्ति द्वारा आइसक्रीम दी मंगी गई उस मात्रा नूं दर्शा रहा है, जो आर्डर कीमतों पर वह व्यक्ति उस वस्तु की डिमांड कर रहा है। ये व्यक्तिगत मंग सूची है। क्लीयर हो गया? हुण इस तों अगे वधीए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है मार्केट डिमांड शेड्यूल की है। फिर मान लो बाजार दे विच एक तों ज़्यादा उपभोक्ता सी, एक उपभोक्ता मान लो पी सी, एक क्यू सी, ते एक आर, कोई भी नाम हो सकते ने। ओके, पी क्यू आर ते तीन कंज्यूमर सी, ते वस्तु का प्राइस जी मैं पहला दसिया, मान लो 2, 4, 6, 8 लगातार बढ़ रहा है। इस शेड्यूल नूं देखो, आपां गल कर रहे मार्केट डिमांड शेड्यूल की, वह डिमांड शेड्यूल जिस सारे उपभोक्ता की टोटल मंग ते प्राइस का जिहड़ा रिलेशन है उन्हूं दिखाया जाता है, मान उन्हूं असी बाजार मंग सूची कहने। जदों बाजार की मंग नूं एक सूची च पेश किया जाए, बाजार के वस्तु की अड अड उपभोक्ता द्वारा कितनी मंग की जाती है, वो जोड़ नूं असी बाजार मंग कहने। जो उस मंग नूं अड अड कीमत जिहड़ी वस्तु की मात्रा मंगी जाती है, उन्हें एक सूची के दिखाइए, दैट वन इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लीयर हो गया? हुण आपां एक एग्जाम्पल नाल देखते हैं। मान लो बाजार के 3 उपभोक्ता ने पी क्यू एंड आर, वस्तु की कीमत 2, 4, 8 लगातार 2, 4, 6, 8 बढ़ रही है। एक जिहड़ा पी कंज्यूमर है, मान लो ज्यों ज्यों वस्तु की कीमत बढ़ रही है, उसकी 4, 3, 2, 1 डिमांड कर रहे। इस तरह क्यू है जिहड़ा, उसकी डिमांड का अड कर रही है, वह 5, 4, 3, 2 की डिमांड कर रहा है आइसक्रीम की, जिवें इत्थे दिखाया गया।
ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਗਈ 3, 2, 1। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ 8 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 0। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 12, 9, 6 ਅਤੇ 3। ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 3 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਗਈ, 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ A2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਮਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ A3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ PC ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਕਰਵ ਵਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਚੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੀ PQ ਐਂਡ R, ਇਸ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ P ਦੇ ਵਿੱਚ DD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣਾਈ, ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਰਵ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰਵ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਲਾਸਟ ਕਰਵ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ 12 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ 9 ਹੋ ਗਈ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਮਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ DD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਜਲਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।